जापान की यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में भारत की शानदार प्रगति की सराहना की। उन्होंने सोमवार को कहा कि देश में अब 1 GB डेटा कोल्ड ड्रिंक्स की सबसे छोटी बोतल से भी सस्ता है। बता दें कि 13वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन के लिए शनिवार को टोक्यो पहुंचे मोदी ने सोमवार को शीर्ष जापानी नेताओं के साथ कई बैठकें की और भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को तीसरी बार उज्जैन दौरे पर आए। उन्होंने यहां भगवान महाकाल का अभिषेक किया। इसके बाद एक चुनावी सभा में कहा कि भाजपा ने राज्य में जमकर भ्रष्टाचार किया है, क्षिप्रा नदी से पानी चुरा लिया, कुंभ मेले को भी नहीं छोड़ा। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पकोड़े वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि आप पकोड़े तलोगे तब भी भाजपा आपका पैसा और तेल चोरी कर लेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पहाड़ी स्थित सबरीमाला मंदिर की 17 नवंबर से शुरू होने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा अवधि के दौरान मंदिर में दर्शन पूजन की इच्छा जताई है। यह बात बीजेपी के एक नेता ने सोमवार को कही। अमित शाह ने उन श्रद्धालुओं के प्रति अपनी पार्टी का समर्थन व्यक्त किया है जो भगवान अय्यप्पा मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई जनवरी 2019 तक के लिए टल गई है। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले को जनवरी में लगाया जाए और तभी तय होगा कि इस पर सुनवाई कब होगी। संभव है कि इसके लिए नई बेंच बनाई जाए या यह भी हो सकता है कि यही बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अस्थाना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 नवंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को भी जवाब देने के लिए 1 नवंबर तक का समय दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित सिख समागम कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। जब तक कश्मीर में हिंदू राजा थे तब तक हिंदू और सिख सुरक्षित थे। जब हिंदू राजा का पतन हुआ हिंदुओं का भी पतन होना शुरू हो गया। क्या वहाँ कोई अपने आप को सुरक्षित बोल सकता है? नहीं, हमें इतिहास से सीखना चाहिए। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चौतरफा विरोध में अब गुजरात के करीब 1500 से ज्यादा किसान भी उतर आए हैं। किसानों ने विरोध में अपनी जान देने की चेतावनी दी है। दरअसल ये किसान चीनी मिल को बेचे गए गन्ने के भुगतान के लिए करीब एक दशक से इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने धमकी दी है कि यदि उनका बकाया पैसा नहीं मिला तो 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 182 मीटर ऊंची मूर्ति के अनावरण के मौके पर वे नर्मदा में कूदकर अपनी जान दे देंगे। चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान को 5वें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में संयुक्त विजेता घोषित किया गया। बारिश के कारण फाइनल की शुरुआत में विलंब हुआ लेकिन वर्षा थमने के बाद भी हालात मैच कराने जैसे नहीं थे। दोनों टीमों के कोचेस से बात करने के बाद टूर्नामेंट निदेशक ने मैच रद्द करके दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया। इंडोनेशिया में विमान दुर्घटना में भारतीय पायलट भव्य सुनेजा की मौत हो गई है। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने भव्य सुनेजा की मौत की पुष्टि की है। भारतीय दूतावास की तरफ से ट्वीट कर इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी नजर आई है। लगभग 3 बजे बाजार ने नई ऊंचाई को छुआ और दिन के अंत में 718 अंकों की बढ़त के साथ 34,067 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 220 अंकों की तेजी के साथ 10,250 के स्तर पर बंद हुआ।